उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट और राकिब सर्ज एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। खबरनामे की शुरुआत करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस का कहर जारी, जम्मू और कश्मीर में 808 नए केस। बिजबिहाड़ा में फौजी एहलकार गोली मारकर हलाक। जनूबी कश्मीर में दो मोर्चा आराइयां, 7 जंगजू जां बहक। और सब जेल पुलवामा में दो इमारत आग की वारदात में खाकिस्तर। जम्मू और कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 808 केस सामने आए हैं। इस तरह मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,37,000 तक पहुंच गई है। सरकारी जराए ने बताया कि आज जाहिर होने वाले केसों में 525 केसों का ताल्लुक वादी कश्मीर से, जबकि 280 केसों का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। एदाद शुमार देते हुए मजकूरा जराए ने कहा कि श्रीनगर जिला लगातार कोरोना केसों की तादाद में सर फहरिस्त है और यहां आज भी 299 केस सामने आए। जनूबी जिले अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में आज नामालूम मुसल्ला अफराद ने एक फौजी एहलकार जो छुट्टी पर था को गोली मारकर हलाक किया। तफसीलात के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने मोहम्मद सलीम आखून साकिनी बिजबिहाड़ा को नजदीक से गोलियों का निशाना बनाया। उसे शदीद जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। ताहम GMC अनंतनाग में डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मालूम हुआ है कि आखून टेरिटोरियल आर्मी में काम करता था और आज कल छुट्टी पर घर आया था। जराए के मुताबिक वाकया के फौरन बाद फोर्सेज ने इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जनूबी कश्मीर के शोपियां और त्राल इलाकों में जुमा को फोर्सेज के साथ दो मोर्चा आराइयों के दौरान 7 जंगजू जाबाक हो गए। उनमें से 3 जंगजू गुज़श्ता शाम देर गए, जबकि 4 आज सुबह से जारी जड़पू में जाबाक हो गए। जुनूबी कस्बा शोपियां में गुज़श्ता शाम शुरू हुई मोर्चा आराई आज 2 मजीद जंगजुओं की हलाकत पर खत्म हो गई। ताहम त्राल में भी फोर्सेज ने एक जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 जंगजुओं को जाबाक किया। पुलिस के मुताबिक मालिक जंगजुओं में अंसार गजवतुल हिंद नामी तंजीम का चीफ कमांडर इम्तियाज शाह भी शामिल है। जुनूबी जिला पुलवामा में कायम सब जेल की 2 मंजिला इमारत आग की एक वारदात के दौरान जल गई। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के द्रसू इलाके में वाकया सब जेल के अंदर आग नमूदार हो गई और जब तक इस पर काबू पा लिया गया तब तक 2 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई थी। आग लगने की वजह अगरचे पूरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। और नाज़रीन, आखिर पर आपको बताते चले कि महकमे मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान वादी भर में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के उर्दू खबरनामे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान इरफान तिलगामी के साथ ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त। खुदा आपका हामी व नासिर। जम्मू और कश्मीर जिंदाबाद। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं KLM इंटरनेशनल स्कूल पठानकोट और राकिब सर्ज एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। राकिब सर्ज एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव कोचिंग फॉर CBSE 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। फॉर मोर इन्फो कॉल ऑन 9622888333। KLM इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट।
Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Stenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best school in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे तीन चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए, खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही। For admissions from nursery to plus two, all streams, kindly contact 9216504779 and 9216505779.